नमस्कार स्टूडेंट, आज के ई लेसन में हम आपको दो आसन नए कराएंगे। जो पहले आसन आप कर रहे हैं ये उसी का सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप उन आसन को कर लेते हैं वैसे वैसे ये साथ में जोड़ते जाएं और अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली फिट बनाते जाएं। आज के जो दो आसन है उनका नाम है, जो पहला आसन है वो है सेतु बंधासन, जिसे आप हाफ व्हील पोज भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा आसन है वो है चक्रासन व्हील पोज, जिसे आप पूर्ण चक्रासन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पे इस प्रकार लेट जाएं, अपनी लेग्स को फोल्ड कर ले, हो सकता है तो अपने एंकल को पकड़े। ये हम करने लगे हैं सेतु बंधासन या हाफ ब्रिज, और सेंटर से अपनी बॉडी को लिफ्ट करें इस प्रकार। जो बिगिनर्स हैं वो तो इस प्रकार ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अपने एंकल को पकड़ के रखें, रिलैक्स, इसको करने बार बार इसका अभ्यास करते रहे। सेतु बंधासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे लिए। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है चक्रासन व्हील पोज, या पूर्ण चक्रासन भी आप बोल सकते हैं, तो उसको भी आप अपनी लेग्स फोल्ड कर ले, घुटनों में थोड़ा सा गैप रहेगा आपका। अपना राइट हैंड राइट शोल्डर के पास ले जाएं, शोल्डर के बिल्कुल साथ में फिंगर्स को लगा के रखें, पाम्स को नीचे, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पास इस प्रकार रखें। इसको बड़ा ध्यान से किया करें, हो सकता है तो किसी की हेल्प साथ में ले सकते हैं। और अब अपनी बॉडी का वेट आपके हाथों पे और आपके पैरों के ऊपर आ जाएगा, बॉडी को सेंटर से हम लिफ्ट कर देंगे इस प्रकार। ये पूरा आप इस प्रकार, और यहां पे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा देर के लिए होल्ड करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसमें आप अपने आप को रोका करें। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है ओवरऑल बॉडी के लिए। साइडवेज करवट लेके उठ के बैठे, जब भी आपने लेट के उठना है ना तो कोशिश किया करें हमेशा साइडवेज उठा करें। तो आज के आपके ये जो दो आसन है सेतु बंधासन और चक्रासन, इनका अभ्यास घर पे हो सकता है तो किसी की हेल्प के साथ करें, नहीं तो धीरे धीरे से आप इनको किया करें। तो आज के लिए आपकी ये दो आसन है बहुत इंपॉर्टेंट आसन है ओवरऑल बॉडी के लिए। नमस्कार।